अनुच्छेद 370 पर पीएम मोदी का संपादकीय कई अखबारों में कॉलम लिखा है। अनुच्छेद 370 35 से बाधा की तरह थे, पीएम मोदी की तरफ से लिखा गया, हमने लोगों की चिंताओं का समाधान किया। अनुच्छेद 370 से लोगों की दूरियां बढ़ी थी, पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी सराहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये लेख लिखा गया। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का जो बड़ा फैसला आया उसको लेकर पीएम मोदी ने कोर्ट का भी धन्यवाद किया और बताया कि अनुच्छेद 370 की वजह से क्या कुछ कठिनाइयां लोगों के सामने थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि 370 एक कलंक था और मुझे इसे मिटाना था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीएम मोदी की तरफ से जो लेख लिखा गया वो हम आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी की तरफ से दरअसल लिखा गया कि मुझे अपने जीवन के आरंभ से ही जम्मू कश्मीर आंदोलन से जुड़ने का अवसर मिला। मैं एक वैचारिक ढांचे से जुड़ा हूं जहां जम्मू कश्मीर केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं था, ये समाज की आकांक्षाओं को संबोधित करने के बारे में था और पहले से ये एजेंडों में शामिल था जिसे सरकार ने पूरा किया। चुनौती से दी गई कोर्ट की तरफ से कल पूरी तरह से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को वैध बताया गया, जिसके बाद पीएम मोदी का ये संपादकीय ये लेख जिसमें पीएम मोदी की तरफ से कोर्ट का भी शुक्रिया किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लेख में लिखा, 11 दिसंबर को भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 और 35 को निरस्त करने पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और अपने फैसले के माध्यम से न्यायालय ने भारत की संप्रभुता और अखंडता को बरकरार रखा है, जिसका हर भारतीय सम्मान करता है। ये अपने लेख में बातें पीएम मोदी की तरफ से लिखी गई। इस पर मेरे साथ आलोक मेहता सर जुड़ गए हैं। आलोक मेहता सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये लेख लिखा जाना कोर्ट के फैसले के बाद ये बताता है कि 370 और 35 को हटाना सरकार का कितना बड़ा फैसला था और जब इस पर कोर्ट से भी हरी झंडी मिल गई, कोर्ट की भी मोहर मिल गई, तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये निश्चित रूप से ये भारत के लोकतंत्र के लिए जो शक्ति है, संसद, एग्जीक्यूटिव और सर्वोच्च न्यायालय, तीनों की जो मोहर लगी है, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा लोकतंत्र को लेकर और जम्मू कश्मीर को लेकर खासकर, जैसा उन्होंने लेख में लिखा है, उनके युवा काल से ही वो लगातार, एक तो हिमालय से ही उनको प्यार है कहना चाहिए, चाहे वो केदारनाथ हो या जम्मू कश्मीर हो, और जम्मू कश्मीर में खास करके जो आतंकवाद है, लोग भारत जो उनकी एकता यात्रा थी डॉक्टर मुरलीधर जोशी की अध्यक्षता में, उसमें उन्होंने जान पर खेल करके जाने से उन्हें रोका गया, सब कुछ हुआ, उसके बाद भी जाकर के जो तिरंगा फहराने की कोशिश की थी, गिरफ्तारियां हुई, और तब से उनको ये इस बात का एक बलाल रहा कि इसको आतंकवाद से निपटाना है। और प्रधानमंत्री ने किस तरह से लगातार जो 370 को हटाने का कोई प्रधानमंत्री देश में नहीं कर सका, इसलिए उन्हें गौरव महसूस होता है। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जब पार्टी का काम कर रहे थे और लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री भी थे, और उस समय में जब उनसे वो वहां किसी ने आतंकवादी ने हत्या की अपने समाज के लोगों की, तो उसके बाद बस से नरेंद्र मोदी यात्रा कर रहे थे और तब फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने आडवाणी जी को फोन करके कहा कि भाई इनको वापस बुलाइए, ये क्या आपका आदमी यहाँ पर घूम रहा है। तो उन्होंने कहा, आडवाणी जी ने किसी तरह फोन पर संपर्क करके सूचना दी कि भाई आप आ जाइए, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो जो मृतात्मा उसके परिवार से मिलने जाऊंगा और इस खतरे को उठाने को तैयार हूँ। और वो उन्होंने इस बात की, आडवाणी जी की बात को भी नहीं माना चीफ मिनिस्टर, और बस से ही वो यात्रा की थी। इसलिए मैं उस समय की बातें मुझे ध्यान है, चूंकि मैं बाकायदा दब्बी जर्नलिज्म में रहा हूँ, और इसलिए कह सकता हूँ कि ऐसे जो साहसिक काम करने का वो जो आंखों देखा उनका, जब हम कहते हैं ना कि उन्होंने गुजरात देखा, उन्होंने महाराष्ट्र देखा, उन्होंने पूर्वोत्तर देखा, वो जम्मू कश्मीर में भी बस से यात्रा करते हुए उस आतंकवादी समय को भी उन्होंने देखा। इसलिए उन्होंने 370 को खत्म कर और वहां के जो लोगों को अधिकार नहीं मिल रहे थे, जिस तरह से वहां भारत के अभिन्न अंग होते हुए भी, उसको उसका गौरव उन्होंने इस लेख में जिक्र किया है कि कितना परिवर्तन आया। बिल्कुल, और भी कई महत्वपूर्ण बातें पीएम मोदी की तरफ से अपने इस लेख में लिखी गई हैं। मुख्य तौर पर 370 पर कोर्ट की तरफ से जो कल मोहर लगाई गई उस पर पीएम मोदी की तरफ से बातें लिखी गई हैं।